मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सुबह के बज रहे हैं 6। कल यहाँ पे हम रात में अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ बजे के आसपास चेक इन किया था। सो गाइज, आप देख सकते हो हम अब होटल से चेकआउट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:14। कोशिश किया जितनी जल्दी कर पाएँ क्योंकि बैकग्राउंड सही तरीके से कटा है अपना। सो वी आर बैक ऑन NH 48। तो इसी रास्ते पे अजमेर तक आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कहीं से लेंगे डाइवर्जन वाइवर्जन कुछ आएगा, गूगल माता बताएंगी। तो अभी बाहर का टेम्परेचर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे दिखा रहा है वो 2 डिग्री दिखा रहा है। सो एक्चुअल फील ना फाड़ होगी भाई, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है। अंदर हमने 27-28 डिग्री करके हम बैठ रहे हैं, बट जो बाहर की फील होगी ना भाई, फाड़ होगी यार, फाड़। सो लुक एट द स्काई गाइज, मतलब दिस इज सो ब्यूटिफुल। पूरा का पूरा आसमान एकदम रेड हुआ पड़ा है। सो यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, थोड़ा 2 डिग्री का भी मजा लेते हैं, और ये नजारा जो आपके सामने है फोटोग्राफ्स आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगी, गो चेक इट आउट। गणपति रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, ब्रेड बटर भुजिया चाय और कुछ नाश्ता कर दें अगर मिले तो। मिले तो यहाँ मिल ही जाएगा, यहाँ तो लग रहा है यहाँ भी घूमेगी गाड़ी। हाँ भाई, किस्मत जबर थी, बंद है बंद है। बोट्स बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत ही अमेजिंग है, एंड स्पेशली सुबह सुबह का टाइम, यू नो, फुल ऑफ एनर्जी। पूरे टाइम फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, एंड नाउ आई एम यूजिंग द GoPro विद द माइक। SJ Cam चार्जिंग पे लगाया है, अभी थोड़ी देर में रूफ पे माउंट करते हैं। ढाबा खोज रहे भाई, ढाबा नहीं मिल रहा, इस रूट पे आओ तो कुछ खाने पीने के लिए साथ में लेके आओ। दो हमारे पास ब्रेड भुजिया तो है, लेकिन अपने को चाहिए चाय, अपने को चाय मांगता है चाय, अपने को लाइफ में और कुछ नहीं मांगता, बस। बहुत सारी मेहनत के बाद वी हैव एग्जिटेड आउट ऑफ द मेन हाईवे, एंड दिस इज़ द रोड टुवर्ड्स जोधपुर। 125-130 किलोमीटर बाकी है, वी हैव स्टॉप्ड हियर, यहाँ पे रुके। एक्चुअली रोड के दोनों साइड जब आप एग्जिट करते हो तो यू गेट गुड ढाबाज, ढाबा बेसिकली रेस्टोरेंट टाइप का। सो हम अपने साथ अपना खाना लेके चल रहे हैं, भुजिया, ब्रेड बटर जो हम पहले से पैक करा के ला रहे, पराठे विच इज़ नॉट गुड, और गलती से मैंने अनियन मंगा लिया, तो अनियन की जगह पे आप देखो अनियन के कुछ कुछ अवशेष हैं इसमें, और बाकी मसाला है। ₹114 किलोमीटर्स टू गो। जब से हम ढाबे से निकले हैं ब्रेकफास्ट करके, रोड सीमेंटेड हैं, एंड पहले आई रिमेम्बर मैं काफ़ी सालों पहले जोधपुर आया था, सो इट वॉज सिंगल रोड, बट नाउ द वर्क हैज़ बीन डन वेरी गुड। रोड बहुत ही अमेजिंग है, दो सीमेंटेड है तो अंदर थोड़ा सा केबिन नॉइज़ आता है, बिकॉज थोड़ा सा अंदर नॉइजी हो जाता है, अदरवाइज इट्स गुड। एक कैमरा ऊपर माउंट किया है गाड़ी के, उसके फुटेजेस आप देखो अभी। अब हम उड़ाएंगे यहाँ पे ड्रोन वापस मंगा रहे हैं, ड्रोन के वीडियोस इसके बाद अगले 2 सेकंड में। बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। चलो एंजॉय करो।
शॉट्स अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा, पहली बार ड्रोन शॉट्स। अगले वीक जा रहे मुक्तेश्वर पहाड़ों पे। ओके सो जोधपुर इज क्लोज टू 30 किलोमीटर्स एंड रोड तब से ऐसे ही हैं, सीमेंटेड हैं। रोड का एक्सपेंशन का काम चल रहा है पूरे रास्ते, जब से हम उस रेस्टोरेंट पे रुके थे सुबह ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद से रास्ते ऐसे ही है। बीच में एक जगह हमने 15-20 मिनट का स्ट्रेच लिया, ड्रोन उड़ाया, मज़ा आया, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए। आपको होप आपको अच्छा लगा हो। अब ये ड्रोन के आने की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा जहाँ का भी डेस्टिनेशन है उसमें आधा एक घंटा तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि 10 मिनट तो लगता है उसको कनेक्ट करके, बैटरी लगाने में, कैलिब्रेट करने में, एंड देन कम से कम 15 मिनट तो हम उड़ाते ही है सो दैट वी गेट गुड शॉट्स, बट दैट्स वर्थ इट डेफिनेटली। वीडियो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाना चाहिए ड्रोन के शॉट्स से, यू नो बर्ड्स आई व्यू। 34 मिनट्स में हम अपने गेट विच इज़ जलोरी गेट, राइट, सो जलोरी गेट पहुँच जाएंगे। जोधपुर सिटी के अंदर पार्किंग होती नहीं है, सो बेसिकली गाड़ियाँ बाहर लगानी पड़ती है। होटल वाले ने हमें रेकमेंड किया था कि आप स्टेशन पर गाड़ी लगा दो। सो हालत ये है कि सन ब्लाइंड्स लगाने पड़े हैं एंड एक साइड से बहुत ही तेज़ धूप आ रही है। सो मेरे साइड तो डेफिनेटली धूप नहीं है, सो मेरे साइड सनब्लाइंड नहीं लगाया मैंने। 20 डिग्री है टेम्परेचर, और अभी ना थोड़ी देर पहले हम गूगल पे देख रहे थे कि दिल्ली में आज 1.4 डिग्रीज थी। 6 साल में सबसे ज़्यादा ठंड वाला दिन था कल। तो 10 किलोमीटर्स टू गो, ऑलमोस्ट जोधपुर के आउटर में है। यहाँ से अपन जलोरी गेट का रास्ता जो है वो 9.7 किलोमीटर्स है। थकान होगी? हाँ, तूने तो पूरा बेडरूम बना रखा है पर्दे वर्दे लगा के। ओह शिट, लाइट हो गई। चलो चलो चलो, पीछे वाली जनता गाली देगी, ये साले हरियाणा नंबर वाले HR 26 जोधपुर आके सिटी पर बात कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पे निकल नहीं रहे, कैमरा लेके गाड़ी चला रहे हैं। ये राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है ना कि पर्दा हटा के प्रजा को देख रहा हूँ। है निखिल उमराव जान, उमराव जान मेल उमराव जान। भाइयों और बहनों, आ गए हम सूर्य नमकीन पे जलोरी गेट सर्किल पे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस शॉप, यहाँ पे कचौड़ियाँ मिलती हैं एंड भीड़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो इससे पहले कि हम स्टेशन जाएं और पार्किंग करें, जो कि 3 मिनट लगने हैं, हम यहाँ पे कचौड़ी खाएंगे। तो चलो पेलते हैं। ओके सो हमारा सामान रेडी है, एक बैग जो मेरे पास है, गाड़ी वहाँ पे पार्क की है एंड अपन अब जा रहे हैं ऑटो लेने। गाइज हाउ आर यू फीलिंग? वेलकम टू जोधपुर। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा डाला है। सिटी के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाती तो हम ऑटो से जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको सिटी के अंदर का व्यू। मैं समझा कि यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि रोड बहुत पतले हैं और बहुत सारी गलियाँ हैं। सो ऑटो इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कम इनसाइड द सिटी। सिटी के अंदर रहने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि फ्लेवर आपको ना उस शहर का,
शहर के अंदर आता है ना कि शहर के बाहर। मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं शहर के बाहर रुका था स्टेशन के पास, अंदर आके एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था, बट ये नज़ारा बहुत ही मस्त है, बहुत बहुत मस्त। So we are staying in Castleview. It's a 500 years old heritage haveli and it has a rooftop restaurant cum cafe. So it's 500 years old. So abhi chalte hain andar guest house ki taraf. तो ये नज़ारा बहुत ही ऑसम है, बहुत बहुत ही ऑसम। दिस इज परफेक्ट, दिस इज जस्ट परफेक्ट, अमेजिंग। सो फोटोग्राफ्स और स्टोरीज आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, डेफिनेटली जाके चेक करना, बहुत मज़ा आने वाला है। रूम एंड जस्ट लुक एट द रूम, क्या अमेजिंग है यार, इसका बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत ही अमेजिंग है। ओहो, ये वॉशरूम है, ये तो फुटबॉल ग्राउंड है। अमेजिंग रूम एंड एक रूम हमारा वाला ऊपर है। दिस इज द बेड एंड दिस इज द वॉल एंड देन वी हैव ए बालकनी हियर। ओहो, दिस इज द व्यू, दिस इज द सेकेंड रूम एंड दिस इज द बाथरूम विद अ फैन, विद गीजर, विद गुड कमोड। वी आर गोइंग टू द रूफ टॉप रेस्टोरेंट, पकड़ने के लिए भी सिक्कड़ है प्रॉपर। क्या नजारा है भाई, क्या नजारा है, माय ओ माय, दिस इज अमेजिंग, दिस इज जस्ट, दिस इज द रेस्टोरेंट। ये टॉप फ्लोर का व्यू है एंड हम प्लान कर रहे हैं कि हम रात में, दे हैव मिनी बार टू विथ हुकाज, सो शीशा भी है यहाँ पे एंड नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत ही खूबसूरत, स्पेशली द फोर्ट। मतलब जो ये नज़ारा है ना, ये शायद कैमरा बयां ना कर पाए, बट जस्ट लुक एट द अरेंजमेंट गाइस, जस्ट लुक एट द अरेंजमेंट, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू कैन सी ए क्लियर व्यू जोधपुर, अमेजिंग। So what we are planning is we have ordered food here, kuch omelet, kuch pizza pasta and uske baad hum rest nahi karne wale, we'll directly go to the fort and Umed Bhavan ka plan tha, but Umed Bhavan bhaiya keh rahe hain jo yahan pe, that has become a hotel, so aap fort jao, fort zyada khoobsurat hai and then maine drone udane ki permission mangi, he said ki neighbors support nahi karte, last time ek guest ne udaya tha तो लोगों ने कंप्लेन कर दिया था, सो वी आर नॉट गोइंग टू फ्लाई द ड्रोन फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क और डिस्टर्ब एनीवनस प्राइवेसी। आई रियली वांटेड टू फ्लाई द ड्रोन हियर क्योंकि यहाँ से जो शॉट आता ना बॉस,
किलर आता, बट देन यहाँ से जो एरियल आप देख रहे हो अभी वो भी अमेजिंग है, वो भी So we have ordered omelette and tea and cheese omelette. So अभी omelette खाते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में